हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स वेलकम वांस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल सो लेट्स बिगिन इन दिस वीडियो इस वीडियो पे मैं आप सभी के साथ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूलास टू स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर क्यों होता है ये डिस्कशन करेंगे तुम सब तो जानते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आज मैं इस फार्मूला का प्रूफ करके दिखाऊंगा तुम इस फार्मूला का प्रूफ एल एच एस एंड आर एच एस धर के प्रूफ कर सकती हो बट मैं इस वीडियो के अंदर जियोमेट्रिकली इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा और ये बताऊंगा वाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला स्क्वायर माइनस टू ए प्लस स्क्वायर ही क्यू होता है इस वाई का जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो के अंदर सो so, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर तुम सब देख सकते हो यहाँ पर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसके लिए हमको क्या चाहिए एक स्क्वायर ए रही स्क्वायर दिस इज द स्क्वायर स्क्वायर का लेंथ है ए सो so, इसका एरिया होगा स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर का चार साइड को दो टुकड़ों में बांट दूंगा इसको यहाँ से एंड इसको यहाँ से यहाँ से एंड यहाँ से देन इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ मैं स्क्वायर का इस डिस्टेंस को बी बोल देता हूं और इस डिस्टेंस को भी बी बोल देता हूं आप देख सकते हो स्क्वायर का लेंथ है ए एंड इस, इस पार्ट का लेंथ है बी देन दिस पार्ट का लेंथ होगा ए माइनस बी सेम इधर भी इस पार्ट का लेथ होगा ए माइनस बी सो दिस इज ए स्क्वायर स्क्वायर का एरिया होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिस इज ए माइनस बी होल स्क्वायर सेम इस साइड का है बी इस साइड का है बी यहाँ पर भी है बी यहां पर भी है बी सो so, इसका चारों साइड्स सेम है सो so, इसका एरिया होगा बी स्क्वायर यहां पर तुम देख सकते हो ये एक रेक्टेंगुलर है एंड दिस इज ऑल्सो ए रेक्टेंगुलर इस दोनों रेक्टेंगुलर का एरिया सेम है वो क्या है मैं बताता हूं इस रेक्टेंगुलर का लेंथ है ए एंड है बी सेम इसका भी है लेंथ ए एंड चौड़ाई है बी हम सब तो जानते हैं रेक्टेंगुलर का एरिया होगा एल इंटू डब्लू ले लंबाई इंटू चौड़ाई सो इस रेक्टेंगुलर का एंड इस रेक्टेंगुलर का एरिया होगा ए इंटू बी ध्यान से देखो इस रेक्टेंगुलर एंड दिस इज द रेक्टेंगुलर एंड इस रेक्टेंगुलर इन दोनों रेक्टांगर का एरिया होगा ए बी ए बी ए बी अब हमको क्या चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हेयर दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिस इज दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इस बड़े वाला स्क्वायर वो है स्क्वायर स्क्वायर से हमको इस पार्ट को कैंसिल करना पड़ेगा तब जाके हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर पाएंगे अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर स्क्वायर से हमको इस वाले पार्ट को कैंसिल करना पड़ेगा पहले स्क्वायर लिया देन माइनस ए बी एक रेक्टेंगुलर को कैंसिल करा फिर एक माइनस ए बी फिर इस रेक्टेंगुलर को कैंसिल करा और दोनों रेक्टेंगुलर का कैंसिल करने के लिए हमको दो बार बी स्क्वायर को कैंसिल कर दिया था हम सो so, इसके लिए बी स्क्वायर को ऐड कर देंगे प्लस बी स्क्वायर सो so, क्या होगा स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर सो so, इस तरह से मैं आप लोगों को ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला स्क्वायर माइनस टू प्लस बी स्क्वायर प्रूव करके दिखाया अब मैं तुम लोगों को जियोमेट्रिकली प्रूव करके दिखाऊंगा तब तुम्हारे डाउट सब क्लियर होंगे अब जियोमेट्रिकली देखो ध्यान से देखना दिस इज ए स्क्वायर इसका एरिया है स्क्वायर फुल फुल इसका फुल एरिया है स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो ए बी दिस इज दिस इज एंड दिस इज ऑल्सो ए बी दिस इज एंड दिस इज बी स्क्वायर यहां पर पहले क्या है स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर टू ए स्क्वायर ये रही स्क्वायर इसके बाद है माइनस ए बी दिस इज माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी फिर मैं क्या करता हूं प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर को एड कर देता हूं बिस्कर को यहाँ पर ऐड कर देता हूं एंड देन माइनस से भी कर देता हूं एंड माइनस इसके बाद एक क्या पड़ रहा है डिस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्योंकि ए भी ए माइनस बी ए माइनस बी इसका एरिया होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर सो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है इस तरह से मैं ए माइनस बी का होल स्क्र का फॉर्मूला प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया